ये है 100% हेम्प यार्न। 11 मुल्कों के एंटरप्रेन्योर्स इसे ढूंढ रहे हैं, पर ये सिर्फ मिलता है उत्तराखंड में। सात्विक मिशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा, कैसे हेम्प यार्न का फाइबर निकलता है, क्या उसमें हैंडमेड क्या प्रोसेस है, मशीन प्रोसेस क्या क्या होता है, कैसे उसको यार्न तक लेके आते हैं। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा बहुत इसके कपड़े बनाते हुए और कुछ कपड़े जो बने हैं वो भी जरूर दिखा। इसके अलावा आज मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे जो क्लाइंट है, हेम्प ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे उनको पता होगा मैं हेम्प ट्रेनिंग के बैचेस चलाता हूँ। ऐसा ही एक बैच आज आया हुआ है, उनसे भी आपको मिलाऊंगा, उनसे आपको फीडबैक बताऊंगा कैसा उनको यहाँ पे एक्सपोजर मिला है। जनरली जो मेरे पास लोग आते हैं काफ़ी जगह से घूम कर मेरे पास पहुँचते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। मैं मार्केट में देखता हूँ हेम्प के नाम पर 80-90% कंपनीज फेक हैं, या तो वो हेम्प होता ही नहीं है या फिर वो बाहर से इंपोर्ट करके नेपाली जो है हेम्प पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो है हिमालयन हेम्प या इंडियन हेम्प के नाम से उसको बेच रहे हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्म आता है ना, अभी फोटो वीडियो दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे तो नहीं होगा, वो फॉर्म है जो रेशा आता है सबसे पहले रफ गड्ढा, वो है आपके वो दिखा देंगे आपको। अभी समझ लो वो आता है, उसकी धुलाई होती है, इसका ही प्रोसेस होता है। ये गाँव के लोग ही करते थे, बोलते हैं लोग पहले करते थे, इसकी जो कम्युनिटी है उसको पता होगा यूनिटी के बाद, तो उसकी पहले धुलाई होती है, ठीक है। और फिर उसको लिए उसके बाद उसको जो आज की टाइम का एक्चुअल प्रोसेस है, उसको कार्डिंग के लिए विशेष और अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है, हल्दवानी अलग अलग मशीन से भेजा जाता है, ठीक है। मशीन से भी कार्डिंग करके लोअर करके, क्योंकि जब आप देखेंगे ना बहुत हार्ड होता है कार्डिंग का मतलब, फाइन करते हैं, ये कार्डिंग की बात करते हैं। जब आप वो देखोगे ना बिल्कुल घास की तरह होता है, जैसे पेड़ आप ही लगो पेड़ का तना छीलो वो कैसा होता है, वो वैसे निकलता है। तो उस पर पूरा प्रोसेस होता है, उसकी धुलाई करके उसको मूवमेंट करके यहाँ तक लेके आते हैं। वो मैं आपको कुछ वीडियोज दिखा रहा हूँ। पहले हमारे पे रॉ माल था, ऐसे ही वॉश्ड आया धुला हुआ, इसके बाद हमने इसमें कटिंग किया। ये कटिंग इस बिहाब पे किया कि कार्डिंग मशीन का गेजिंग कितने पे था, मीन्स कितने इंच में उसको रिक्वायरमेंट है कि वो आगे ट्रांसफर लिक्रीन को करता रहे आगे वाले लॉफर को। तो उस हिसाब से हमने फिलहाल इसमें 3.5 इंची का कटिंग करा, 3.5 इंची है इसका लेंथ इस फाइबर की कटिंग, और आगे का कार्य अभी और करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सर विलो मशीन। ये बेसिकली क्या करता है, फाइबर को हल्का बहुत खोल देता है और जो इसका डस्ट होता है सारा क्लीन कर देता है। डस्ट क्लीन करने के बाद ये हम कई बार इसमें करते हैं, करीब 2-3 बार करते हैं कि पूरा डस्ट क्लीन हो जाए, आगे हमारे पे माल अच्छा है। फिर देखिए ये इस फॉर्म में हमारे पास मिल गया, ये काफ़ी खोल दिया है, काफ़ी खोल दिया फाइबर को और डस्ट भी इसका कम कर दिया है। इसको हम 2-3 बार करते हैं इसमें ताकि डस्ट पूरा क्लीन हो जाए अच्छे से, एक भी डस्ट ना रहे इसमें। ये देखिए अब ये खोल दिया है, इसको बोलते हैं ओपनर मशीन या टीचर भी बोलते हैं। इसको हम पूरी तरीके से खोल दिया, ये अच्छा फाइबर हो गया, खुल गया बढ़िया एकदम। अब इसको आगे हम कार्डिंग के लिए, कार्डिंग मशीन तक ले जाने के लिए इसमें थोड़ा LV40 नाम का एक आता है ऑयल, इसके मॉइस्चर को इसको ज़रूरत पड़ता है कार्डिंग मशीन को, तो इसमें हम थोड़ी देर लगा के छोड़ देते हैं। ये ओपनर के बाद हमने इसमें करना था, और ये कार्डिंग करके हमें रुई की फॉर्म में निकाल देता है, इसके बाद यहाँ से यार्न बनता है। वो एक बार यार्न पूरा रुई हमें दिखा दो जो वहाँ से निकला। ये सर ये देख लीजिए, ये ऐसे में निकलता है, अच्छा रोल बन के स्लाइवर बनता है बेसिकली इसका। नहीं। तो स्लाइवर बन के इसके बाद हम आगे भेज देते हैं, फिर वहाँ से यार्न बनता है। यार्न बनता है, एक हमें यार्न भी आप दिखा दीजिए। देखिए यार्न बड़ा मजबूत होता है यह यार्न, ठीक है। ये नेटल है, प्योर नेटल है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, इसमें बढ़िया है, और इसमें कुछ ब्लेंड वाले भी हैं। ये है सर, ये इसमें नेटल मिक्स है, ये मिक्स है, हाँ नेटल और हेम, इसमें नेटल और हेम मिक्स है, ठीक है। और इसमें कुछ मात्रा में विमल भी मिक्स है, विमल भी मिक्स है जी, ठीक है। ये है पूरा नेटल और हेम, ये है जी, ठीक है। इसमें नेटल और हेम्प बस दो ही चीज़ मिक्स है, ठीक है।